समझो देखो हमारे लिए परेशानी क्या है। सबसे पहले तो हमें फीस को सेव करना पड़ता है ना, सेव करने के बाद फिर हम प्रिंट निकाल रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर अलग अलग सीट पे हमें फीस ले जानी होगी तो हमें अलग अलग सीट के लिए बटन बनानी होगी, मतलब सेव फी वाली, है ना। तब जाके हमारी फीस कहाँ पे, यहाँ पर डेटाबेस में। जैसे अभी तक हमने काम किया सिर्फ 2022 वाली सीट पे हमारी फी आ रही, जब हम फी को वहाँ से सेव कर रहे हैं, है ना। प्रिंट वाला मामला तो अलग ही है। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं मेकअप फिल्टर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो रही। तीन तीन, अगर चार हो तो, पाँच हो तो, सात हो तो, दस हो तो ऐसे करने से हमें दस दस बटन और अलग अलग सीट पे हमें मेकअप फिल्टर चलाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमारी सीट जाएगी। तो इस समस्या का जो सॉल्यूशन है वो है हमारे पास कि क्यों ना हमारी जो फीस है वो इस रिसिप्ट से आ जाए, है ना, जो हमने रिसिप्ट ये बना के रखी है इससे आ जाए। इसके लिए हम पहले तो मैं इसे क्लियर ऑल कर रही हूँ, सब चीज़ें यहाँ पर हटा रही हूँ। ठीक, वापस हम 2022 वाले सीट में जा रहे हैं और यहाँ जो मैंने ये फीस दे रखी है ये भी मैं हटा देती हूँ, ये दे दीजिए। ठीक, इसके बाद यहाँ पे भी जो फीस दे रखी है वो सब मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, ये सब डिलीट। यहाँ पे भी ये फीस जो दी है, कोर्स फीस नहीं, कोर्स फीस नहीं आता देखती है। और अब अगर हमें किसी फॉर्मूले के जरिए ये फीस हमारे डेटाबेस में आ जाए तो हमारे लिए इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। आ रही बात समझ में, क्योंकि फॉर्मूला असाइन कर लेंगे, फॉर्मूला ढूंढ ढांड के कहीं से भी वो वैल्यू ला देगा। जैसे विलुकप करता है, विलुकप वाला कॉन्सेप्ट अगर हम इस चीज को समझे, रिसिप्ट में आए और हम अगर बातों को समझे तो यहाँ हमें तीन सीट के लिए अलग अलग फिल्टर वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हमने लगाया विलुकप, तीनों सीट का डेटा आ रहा है, ये हम पहले भी एनालाइज कर चुके थे। जैसे कि हमने यहाँ पे दिया 2021, ये मैंने 2021 सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने जुलाई जनवरी जो भी हो वो हमने सिलेक्ट किया और हमारा डेटा आ रहा है। सेकंड नंबर नहीं है क्या? जीरो प्रिंट करे, अदरवाइज खाली छोड़, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और जुलाई, डीसीए में भी करना पड़ेगा तब जाके वो आ जाएगा, आगे इसी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट हम कर देंगे। तो अभी हमारा वो प्रॉब्लम नहीं, वो हम देख लेंगे बाद में चलते चलते। हमारी जो सिचुएशन है अब ये है कि हम कैसे भी करके यहाँ पे क्या लेके आना चाहते हैं, मतलब डेटा बेस में हमारी कैसे भी करके फीस आ जाए।
उसके लिए हमने प्रिंट चलाया, जैसे कि हमने कैसे यहाँ से कोई फीस पे करी, फी पे करी, इसकी फी पे करेंगे हम 2022 वाली सीट पे चले जाते, पहले इस सीट का मामला सुलझाते फिर बाकी की सीट पर हम काम करेंगे। यहाँ हर फीस 0-0 है, कोई फीस नहीं है। ये वाला जो सेव फी वाला मैक्रो था ये हम हटा देंगे आज, इसका हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। प्रिंट वाला मैक्रो मेरे पास है जिसका मुझे यूज़ है और मैं इसका यूज़ करूँगी। हमने सबसे पहले स्टूडेंट की फीस जो रोहित मेवाड़ा है, इनकी फीस हम ले रहे हैं 5,000 रुपये। तो ये मैंने 5,000 रुपये ली और इसको मैंने प्रिंट को क्लिक किया, ठीक। ऑल रिसिप्ट के अंतर्गत जाके देखेंगे तो ये रोहित मेवाड़ा, इनकी 5,000 रुपये फीस मेरे पास आ गई। एक फॉर्मूला होता है सम इफ्स का, सम इफ भी होता है, सम इफ और सम इफ्स भी होता है। सम इफ की जब मुझे जरूरत लगेगी तब मैं आपको बताऊंगी सम इफ कैसे काम करता है, लेकिन अभी मुझे जरूरत है सम इफ्स की, है ना। सम इफ एक क्राइट एरिया के साथ आपकी जितनी भी वैल्यू है उसको प्लस करता है, और सम इफ्स एक से अधिक क्राइटेरिया के साथ आपकी वैल्यू को प्लस करता है। ध्यान से समझना, अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का फीस इसके डेटाबेस में सेव करना चाहती हूँ, जो भी कहाँ से रिसिप्ट कटने के बाद, ये रिसिप्ट कट गई है, रिसिप्ट कट गई लेकिन स्टूडेंट की फीस उसके डेटाबेस में नहीं गई, हमें पता चल गया कि 5,000 उसने पे की है, लेकिन अगर हम 2022 में यहाँ जाके देखें तो यहाँ कोई फीस नहीं आई। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फीस हमारी जो रिसिप्ट है, मतलब ओल्ड रिसिप्ट है, वहां से उठ के आए कहाँ पे, डेटाबेस, और किसके माध्यम से, सम इफ्स फॉर्मूले के माध्यम से। पहले हम सम इफ्स फॉर्मूले को समझते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। हम ओल्ड रिसिप्ट में चलते हैं और यहाँ पे हम बिठाते हैं, थोड़ा सा इसका मैथमेटिक्स कैलकुलेशन समझते हैं क्या चलता है। हमने इसके सेंटेक्स को समझने के लिए यहाँ पे मैंने लगाया सम इफ्स, इफ नहीं सम इफ्स, देखो ये आ गया सम इफ्स, ब्रैकेट असाइन करेंगे और उसके सेंटेक्स को समझेंगे। सबसे पहले पूछेगा ये सम रेंज आप प्लस किसका करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब जिसका भी प्लस करवाना चाहो, जो भी वैल्यू, जैसे अभी मैंने 5,000 रुपये दी तो 5,000 रुपये मेरी सम हो गई, है ना, इसका मुझे प्लस चाहिए। कई बार एक प्रॉब्लम और निकल के आती, मैंने अभी उसको एडवांस फिल्टर में हम और ज्यादा गौर करके नहीं गए, अगर हम और ज्यादा जाते तो अगर जैसे हमने 4 कॉलम लिए थे, स्टूडेंट हो सकता है 5 इंस्टॉलमेंट में फीस दे, जैसे कि स्टार्टिंग में 4,500 दी उन्होंने, उसके बाद फिर 2,500 रुपये उसने पे की, है ना, फिर उसके बाद फिर उसने 2,500 रुपये पे की, फिर जो बची हुई 500 रुपये पे की, हो सकता है लास्ट में जाके उनकी 500 बच गई। जब वो कॉलम खत्म हो जाते हैं ना तो हमारी फीस आगे की तरफ मूव हो जाती, मतलब ड्यू और टोटल के आगे जाके वो टेस्ट करता, क्योंकि उसका मामला क्या है कि भैया वो कंट्रोल डाउन कंट्रोल राइट डाउन, उसको जब तक खाली मिलेगा तब तक वो देगा, अदरवाइज नहीं देगा। दूसरा उसका ड्रॉबैक क्या था कि मान लो एडमिशन फीस स्टूडेंट ने 2 इंस्टॉलमेंट में पे की, फर्स्ट में उसने 4,000 पे की, सेकंड में उसने फिर 2,500 रुपये पे की, तो कहने का मतलब ये है कि उसने भले डिफरेंट डिफरेंट टाइम में 2 अलग अलग डेट में फी को पे किया, लेकिन फी इंस्टॉलमेंट कौन सी थी, फर्स्ट एडमिशन, लेकिन उस वाले कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा था कि वो अगली बार सेकंड वाले रो में ले जा रहा था जहां पे क्या था एग्जाम, मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट। अगर हमें मैनेज करना होता तो फिर हम बाहर आते वापस से उसे कॉपी पेस्ट करके इधर प्लस करवाते उस वैल्यू को डेटाबेस में जाके, चेंजेस तो हमें डेटाबेस में ही करना पड़ रहा ना, इससे हमें क्या सुविधा। तो ये कुछ उसके ड्रॉबैक भी थे, और साथ ही साथ फिल्टर वाला कॉन्सेप्ट, उसमें फिल्टर वाला कॉन्सेप्ट और एडवांस फिल्टर कहीं ना कहीं चल रहा है, इतनी बार एडवांस फिल्टर चल रहा तो सिस्टम को हैंग भी करेगा वो तो बखूबी, क्योंकि एक हमारे दिमाग में सिर्फ एक क्लिक नजर आ रहा है, ये क्लिक हम ये नहीं समझ पा रहे कि वो इतनी जल्दी पूरे डेटा को स्कैन कर रहा है, 10,48,576 रो को पूरा ढूंढ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो डेटा को ढूंढ रहा है, फिर सर्च करके वो फिल्टर दे रहा है, और साथ ही साथ मैक्रो भी चल रहा है। तो ये सारी प्रोसेस हमारे सिस्टम को बखूबी हैंग करेगी, कहीं ना कहीं हमको परेशानी आएगी काम करना। तो ऐसी सिचुएशन में हम चाहते हैं कि कोई फॉर्मूला लग जाए। सबसे पहला सम रेंज, मतलब वैल्यू हमें यहाँ 5,000, 10,000, 25,000 जो भी स्टूडेंट पे कर रहा है वो सम वैल्यू होगी, प्लस वैल्यू होगी। दूसरा यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या, तो अभी हमारे पास कौन कौन से क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मैंने आप क्या चाहते क्या हो कि ये फीस कहाँ जाए, इस किस में इसका टोटल हो। तो हमारे पास एक तो मेन सिचुएशन ये है कि भैया हम चाहते हैं कि इसी एनरोलमेंट वाले स्टूडेंट की फीस जमा हो, हर बार नया स्टूडेंट फीस को पे करेगा, कभी एक करेगा, कभी दो करेगा, कभी तीन, कभी डीसीए, कभी कोर्स ही चेंज हो गया, तो ये एनरोलमेंट सबका डिफरेंट होगा, डेटा मिसमैच इनका कोई चांस नहीं होना चाहिए कि डेटा मिसमैच हो जाए, इसकी फीस उधर चले गई, उसकी फीस इधर चले गई,
जबकि उसमें था, अगर उसमें ब्लैंक वैल्यू कहीं छूट जाती, गलती से भी खाली सेल छूट जाता तो फीस वहीं पे हो जाती, हमने कल देखा भी था। लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या चाहते हैं कि कैसे भी करके जो एनरोलमेंट यहाँ रिसिप्ट में हो उसी में जाए। फर्स्ट क्राइटेरिया ये बनेगा कि इसी एनरोलमेंट में फीस जाए। दूसरा क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे और भी, मतलब एक से अधिक हम क्राइटेरिया दे सकते हैं, एक से अधिक हम कंडीशन दे सकते हैं, हमारे पास क्राइटेरिया मतलब कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन हमारी क्या होगी कि हम चाहते हैं कि ये जो 5,000 रुपये हमने अभी जस्ट इसको लिया है, ये यहाँ पे तो हमने एग्जाम फर्स्ट सिलेक्ट कर रखा है, अगर हम यहाँ पे एडमिशन सिलेक्ट करें तो हमारी फीस एडमिशन वाले सेल में जाए, अगर हम यहाँ एग्जाम फर्स्ट सिलेक्ट करें तो हमारी फीस एग्जाम फर्स्ट में जाए, यदि हम एग्जाम सेकंड सिलेक्ट करें तो वहां जाए। मैंने कहा हमारा दो क्राइटेरिया, एक तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या कि इसी एनरोलमेंट में फीस जाए, और दूसरा जो हम एडमिशन मतलब जो हम इंस्टॉलमेंट सिलेक्ट करें उसमें जाए। समझ में आ रही है बातें? देखो अब इसको करने की कोशिश करते हैं। क्या हम दे रहे हैं यहाँ पे समीप, और अगर हम वहीं लगा देते इसको जहां हमें लगानी है। अब इसके लिए हमें चीजें थोड़ी समझानी पड़ेगी और एक सीक्वेंस में इसको लिखना पड़ेगा, समीप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलेगा, इधर उधर नहीं चलेगा। तो हम इसको पूरा समझते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी इस रिसिप्ट में ही आ जाते हैं और यहाँ कुछ चेंजेस करते हैं, है ना, कुछ चेंजेस हम हटा देंगे, वो दिखाई नहीं देगा पर हमें पता रहेगा कि ये हमने चेंजेस किए। हमें एक क्राइटेरिया तो चाहिए इनरोलमेंट जो हमारे पास है, दूसरा क्राइटेरिया हमें क्या चाहिए इसी सेल में यहीं पे। हम अगर इनरोलमेंट यहाँ नहीं होता और हमारे पास जगह खाली नहीं होती तो हम यहाँ कोई चेंजेस नहीं करते, लेकिन हमारे पास जगह है इसलिए हम यहीं पे बना रहे हैं। तो ये इनरोलमेंट, दूसरा क्राइटेरिया हमारा रहेगा ये फी, कौन सी इंस्टॉलमेंट है वो, तो ये इंस्टॉलमेंट हमने यहाँ से उठा के यहाँ देखा क्योंकि हमें एक सीक्वेंस में चाहिए ये सब चीजें समीप का फॉर्मूला चलाने के। दूसरा हमें चाहिए क्या, यहाँ पे हमारा जो भी पेमेंट है वो, है ना। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें, आप ये वाला पैसा मतलब यहाँ से आपका पैसा जाएगा कैश, जो भी आप दे रहे हो बैंक पे कर लो, कैश पे कर लो, जो भी कर लो, तो वो जाएगा कहाँ से, यहाँ से, मतलब यहाँ से पे करोगे आप तो इसका सेल एड्रेस हम यहाँ पे दे देंगे इक्वल टू ये 5,000। आप 5,000 दे रहे हो, 10,000 दे रहे हो, 20,000 दे रहे हो, जो भी दे रहे हो वो यहीं से जाएगा, है ना। तो वो हमने यहाँ दिया, यहाँ देने का मेन पर्पस क्या है, एक चीज और समझो, जब हम सम का, कल मैंने सम का फॉर्मूला लगाया था, ए टर्मिनेटर ए लगा देगा, अगर मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा दूँ, सी टर्मिनेटर सी लगा दूँ, सी में इसको भी प्लस कर देगा वो 13,500 को भी प्लस कर देगा, उसे थोड़ा ना पता है कि ये ड्यू फीस है कि क्या क्या है, उसके लिए तो वैल्यू है, और इस सेल में मतलब इस कॉलम में जो भी वैल्यू आई वो उसके लिए प्लस करेगा, तो 13,500 प्लस 5,000 स्टूडेंट की कोर्स फीस ही 13,500 रुपये कितना कर देगा, कितना कर देगा, 13 और 5 18,500, हाँ ठीक। तो कहीं ना कहीं ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया कि जब भी आप ये वैल्यू लो, मतलब यहाँ से आपने यहाँ ली, अगर आप ये वैल्यू इस सेल के नीचे यहाँ रख दोगे तो हमारी फीस 5,001 रुपये होगा, उस सारी न्यूमेरिकल वैल्यू को प्लस कर दे, आ रही बात समझ में। तो ये वैल्यू आप ऐसी जगह रखोगे जहाँ कोई नंबर भी, अगर मैं चाहती तो ये 5,000 यहाँ भी रख सकती, लेकिन 5,000 और 2,022 मिला के 7,022 रुपये हो जाते, है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू से इस वैल्यू को आप दूर रखें। अब हम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने पहली इंस्टॉलमेंट लेनी है इन स्टूडेंट की, ये मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को सिलेक्ट किया, और अब हम ये ओल्ड रिसिप्ट के अंतर्गत आ रहे हैं, और ये वापस से मैं ये रिसिप्ट को डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया और कुछ नहीं किया, फॉर्मेटिंग को मैंने डिलीट नहीं किया, फॉर्मेटिंग रहने, और ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है स्टूडेंट की, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया कि एडमिशन फीस ले रहे हैं हम, ये एडमिशन मैंने सिलेक्ट किया और प्रिंट को क्लिक कर दिया, ठीक। और रिसिप्ट में गए और ये रिसिप्ट मेरे सामने यहाँ पे आ गई। अब हम लगाएंगे समीप का फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के साथ, हमारे दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे बैठे हुए हैं, फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा एनरोलमेंट इसी एनरोलमेंट में जाए, दूसरा क्राइटेरिया कि इसकी एडमिशन फीस किस में जाए, एडमिशन वाले सेल में ही जाए। तो हम जाएंगे एडमिशन वाले सेल में, 2022 वाले सेल में यहाँ पे, और यहाँ लगाएंगे हम समीप का फॉर्मूला क्योंकि फीस हमें कहाँ चाहिए, इस डेटाबेस में, यहाँ आ रही बातें समझ में। हम लगाएंगे इक्वल टू समीप, लिखने की जल्दी मत करो, चीजों को समझो। सबसे पहले क्या बोल रहा है ये सम रेंज, कहाँ है आपके ऑल फीस, तो हम ऑल रिसिप्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम ये वाला कॉलम पूरा सिलेक्ट कर देंगे, इसी में सारी फीसें आएंगी क्योंकि हमने सेल एड्रेस दे रखा है,
5,000 यहीं पे आएगी, 5,000 दूसरा स्टूडेंट कभी 10,000 दे रहा, 2,000 दे रहा, 3,000, वो सब इसी कॉलम में आएगी, है ना। तो ये हमने पूरा सिलेक्ट किया, कॉमा साइन करेंगे हम। ये बोल रहा क्राइटेरिया फर्स्ट क्या है आपका, बोले मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि इस एनरोलमेंट वाले स्टूडेंट की फीस आर, कंडीशन पूछेगा कि ठीक है तुमने बता दिया सी टर्मिनेटर में वो एनरोलमेंट है, लेकिन उस डेटाबेस में ये एनरोलमेंट मुझे कहाँ मिलेगा, तो हम कॉमा असाइन करेंगे और हम बोलेंगे कि इस डेटाबेस में आपको ये एनरोलमेंट मिलेगा यहाँ, ये रहा B5, ठीक क्राइटेरिया। और वो क्राइटेरिया मिलेगा कहाँ डेटाबेस में, बोले B5, B5 में आगे बढ़ता जाएगा, जैसे ही हम फॉर्मूला बढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली ये बढ़ता जाएगा, B5 फिर B6 फिर B7 फिर B8, है ना, आगे बातें समझे। दूसरा हम क्राइटेरिया देंगे, सेकंड क्राइटेरिया हम कोमा लगाएंगे और हम बोलेंगे कि ये फीस कहाँ पे जाए, ओल्ड रिसिप्ट के अंतर्गत जाएंगे। सेकंड क्राइटेरिया है कि इस एडमिशन वाली रिसिप्ट में जाए, जहाँ एडमिशन लिखा हुआ है एडमिशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसी में, वही हमारा सेकंड क्राइटेरिया होगा, मतलब उसी सेल में ये फीस जानी चाहिए। तो हमने ये पूरा डिटर्मिनेटर पूरा सिलेक्ट कर दिया, 10,48,576 तक हो रहा है ये मामला पूरा सेल, इसलिए हमने पूरा कॉलम सिलेक्ट किया, हमने पर्टिकुलर कोई रेंज नहीं दी, हमने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर दिया, ये पूरा कॉलम नीचे तक जाएगा 10,48,576। फिर हम कोमा साइन करेंगे और बोलेंगे कि ये जो इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ है ये कहाँ मिलेगा डेटाबेस में, तो हम जाएंगे वापस से 2022 वाली सीट में और यहाँ बताएंगे कि ये मिलेगा आपको यहाँ। कोई समस्या परेशानी नहीं, ये मैंने किया ब्रैकेट क्लोज, दो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया दे दिया, उसकी पोजीशन भी बता दी कि हमें यहाँ मिलेगी, देन एंटर को क्लिक किया। कितनी फीस आई, कहाँ से आई, ऑल रिसिप्ट। इस फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाएंगे, मतलब इसको हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इसको मैं पूरा कंट्रोल सी से कॉपी कर रही हूँ, ये कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैंने एंटर बाहर किया और मैं यहाँ जाऊंगी, यहाँ जाके इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगी। कंट्रोल वी से पेस्ट करने के बाद हम देखो चीजों को समझ, अब मेरा क्राइटेरिया सेकंड क्राइटेरिया चेंज हो, क्या ये एडमिशन फीस में आना चाहिए, क्या ये फीस किस में आनी चाहिए, इंस्टॉलमेंट से, क्या मैं यहाँ जाऊंगी और यहाँ जो मैंने लास्ट में M3 लिखा हुआ इसकी जगह मैं क्या कर दूंगी O3, इसको चेक करें, जहां एग्जाम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड लिखी है वहां फीस है जीरो फीस, आगे जीरो फीस, जब ये पे होगी तब ये आएगी सेकंड। फिर से मैं यहां से कंट्रोल वी से इस फॉर्मूले को पेस्ट कर रही हूँ और यहां पे मैं लिख लू क्या P3, आगे कंट्रोल वी और यहां पे Q3, समझना कितनी फीस बची है बेटा इनकी इंस्टॉलमेंट फीस, पहली इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करने के लिए 6,500 होती है, 1,500 रुपए और बची है, मैंने नहीं चेंज किया ये, सेम एज इट इज ये रहने दिया, मैंने यहाँ पे 1,500 सिलेक्ट किया, ये 1,500 और ये मैंने प्रिंट को क्लिक किया। एडमिशन फीस कितनी जमा हुई, 2022 में जाएंगे कितनी हुई, अगले सेल में गया क्या डेटा, किस सेल में गया, प्लस हो गया ऑटोमेटिक, सम सम का मतलब ही होता है प्लस कर कर दिया उसने, सेकेंड इंस्टॉलमेंट लेंगे इस स्टूडेंट, वापस से रिसिप्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देंगे कि स्टूडेंट क्या दे रहे हैं, बोले एग्जाम सेकेंड और ये वो कर रहे हैं फोन पे के माध्यम से, मतलब बैंक पे के माध्यम से, कितनी फीस दे रहे हैं यहाँ, बोले 3,500, ये 3,500, ये प्रिंट को क्लिक किया, ये 3,500 2022 सीट, है मजे कर दो एडमिशन, फिर तुम इंस्टॉलमेंट या तो तुम अलग अलग इंस्टॉलमेंट के साथ ले लो उनकी फीस, या फिर उनको एडमिशन फर्स्ट, पहली बात तो ये कि ऐसी सिचुएशन में आप कभी स्टूडेंट से सब लेते ही नहीं, पहले ही मना कर दे, पर अगर वो करता है तो आप पूरी फीस ले लो, ओल्ड रिसिप्ट ओल्ड अदर फीस के अंतर्गत, टोटल फीस के अंतर्गत ले लो आप उसको पूरा, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दो, यहाँ पे आप दे दो और उनकी रिसिप्ट में एक जगह आप टाइप कर सकते हो कि ओल्ड फीस पे, आप कोई सा अब इनमें से कोई सा भी क्राइटेरिया आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप 12,500 यहाँ पे लिख दो
और अगर तुम्हारे पास 3 इंस्टॉलमेंट है तो अदर फीस में डाल के और यहाँ पे पूरी फीस ले लो 1200 जितनी भी बची उनकी, और यहाँ पे एक मैसेज जनरेट कर दो उन्हीं की रिसिप्ट में, यहाँ पे डाल दो ऑल फीस कंप्लीट। और ऐसा लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, आप तो सीधा समझो, छोड़ो इसको, ऐसा क्यों कर रहे हो, भले ही मत लिखो। जैसे मैंने ये ली, इंस्टॉलमेंट में नहीं देना, एक ही इंस्टॉलमेंट बन गई उनकी, ये मैंने पूरा डिलीट किया, ये सिर्फ समझाने के लिए क्लियर कर रहे हैं, बाकी और कुछ उसको यहाँ गए रिसिप्ट में, ये स्टूडेंट ये 0 फीस हो गई। कितनी फीस दे रहे हैं स्टूडेंट, 1200 1 साल, सॉरी 1350, ये 1350 इसको अदर इंस्टॉलमेंट में रखो, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में ये प्रिंट को क्लिक किया, टोटल फीस 1350, ड्यू फीस 0। जैसा चाहो वैसा कर दो, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, समीप से लग गया, जहां तुमको जैसा लगे, जिसमें अगर वो 3-4 बार में एडमिशन फीस कंप्लीट करवाते तो 4 बार में ले लो, 2 बार में करवाते 2 बार में ले लो, आया समझ में। तो ये हमारी जो दुख भरे दिन थे अब गए, उतार लो ये फॉर्मूला, रुको 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 अभी मत नहीं गए। देखो इस फॉर्मूले को जब हम आगे बढ़ाए, ये मैंने इस फॉर्मूले को पूरा बढ़ाया, रिसिप्ट में गए और पीजीडी से सेकंड नंबर वाले स्टूडेंट की हम फीस ले रहे हैं, है ना, और ये 13500 पूरी पे नहीं करवा रहे हमें, कैश के माध्यम से करवा रहे हैं, और फीस ये करवा रहे हमें 4500, ये हमने यहाँ पे प्रिंट को क्लिक किया, ठीक। 2022 वाली सीट में आए, हमारी फी नहीं है, आनी चाहिए थी, नहीं आई, नहीं आनी चाहिए थी, पर ये फॉर्मूला नहीं बढ़ाया, और बढ़ा दो भैया इनको भी बढ़ा दो, शायद अदर ही था वहां पे सिलेक्ट, है ना, अदर ही था ना, फिर भी नहीं है। एक बार और रिसिप्ट में चलो, अदर ही था फिर भी नहीं है, आनी चाहिए थी प्लीज, नहीं है। 2022 में चलो सब चीजों को चेक करो, ये फॉर्मूला बैठा हमारा यहाँ पे, ई टर्मिनेटर में हमने फीस दिया है, मतलब समीप दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आएगी हर बार फीस, हम और रिसिप्ट में जाके चेक करें तो ये ई टर्मिनेटर, ये 13500, ये 4500, इसमें कोई प्रॉब्लम आई फीस वहां पे, फिर भी उसने प्लस दी। दूसरा हम चेक करेंगे 2022, फिर से जाएंगे अदर फीस यहाँ पे क्लिक करेंगे, सी टर्मिनेटर सी, मतलब हमने फर्स्ट क्राइटेरिया दिया इनरोलमेंट, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, इनरोलमेंट वहां पे गए जो सी टर्मिनेटर में है, इसका हमने पाथ बता दिया B5, तो B5 ये रहा हमारा B5, ये है ना B5 के ना, सी टर्मिनेटर और B5 ये यहाँ रहा, ये है कहाँ है B5 कहाँ है हमारा, ये रहा, अरे ये रहा, ये B5 है ना, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा, B5 की जगह B6 आ जाएगा, हम फॉर्मूले को थोड़ा नीचे, क्योंकि हमारी फीस यहाँ नहीं आई, यहाँ की बात कर रहे हैं, तो मतलब B6 सही है, इस एनरोलमेंट की फीस आनी चाहिए थी पर नहीं आई। आगे हम बोले बी टर्मिनेटर डी, मतलब हमने दिया इंस्टॉलमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये क्राइटेरिया हमने यहाँ पे डी टर्मिनेटर डी मैंने ये दिया, यहाँ अदर फीस, ठीक है अदर फीस सही दिया हमने, वापस हम इसमें आए 2022 में, और यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इसका क्राइटेरिया क्या दिया था, अदर फीस का हमने बताया था कहाँ के अदर फीस कहाँ है, तो हमने बताया था यहाँ पे इसको मना किसको, Q3 को, ये Q3 को, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हो गई है, ध्यान से देखो, Q4 में क्या इसको ये अदर फीस वाला क्राइटेरिया मिल रहा है, मिल रहा है क्या, Q5, Q6, Q7, 9, 10, 11, 12, ये तो हर बार एक सेल इंक्रीज कर रहा था, हमारे लिए फायदा, हमारे लिए फायदा क्या था, हम इन सब चीजों को लॉक नहीं करना चाहते, क्योंकि इनरोलमेंट हमारे पास हर बार चेंज हो, ऐसा फिक्स नहीं है, ये आप इस बात से सहमत हो, सभी स्टूडेंट का इनरोलमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगा, है ना। दूसरी बात,
उसका वहां रिसिप्ट में भी एनरोलमेंट अलग होगा, तो ये भी डिफरेंट, कोई लॉक करने की जरूरत नहीं। पर एक चीज लॉक करने की जरूरत है क्या, बोले जब हमने सेकंड क्राइटेरिया दिया और उसको हमने ये बताया कि अदर फीस अदर में जाए, एग्जाम एग्जाम, और उसको हमने समझाया कि अदर फीस बैठी कहाँ है, बोले Q3 में। जब हमने इसको Q3 बता दिया कि अभी Q3 में बैठी है और आगे हम इस फॉर्मूले को बढ़ा रहे, तो ये Q4 हो गया, मतलब ये वाली सेल को सिलेक्ट कर रहा, तो उसको वो पर्टिकुलर पाथ नहीं मिल पा रहा। इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और जो लास्ट में Q3 दिया है इसे हम F4 से लॉक कर देंगे। ये मैंने लॉक किया, देन एंटर कर दिया। जैसे ही हम इस फॉर्मूले को अब आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो बस इसे लॉक और करना है, उतार लो ये फॉर्मूला। समझ में आ गया फॉर्मूला, टफ तो नहीं है, उतारो। ये सब चीजें ध्यान रखना। वो तो अभी छुपाएंगे, सब अच्छा नहीं लग रहा उसमें, बीच में एडमिशन में पता नहीं चल। एक किफ के करोगे तो लगा ले अपने हिसाब से, जाए इच्छा हुए वहां पे कलर तो चेंज करेंगे ना, उसको अच्छा थोड़ी लगेगा, वो उतार ले। ठीक है, अब जल्दी को देखो, इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक, सिलेक्ट करके का कलर हम सेव कर देंगे। अच्छा कलर छुपा दिया, हमको पता है कि रेगिस्तान पानी नहीं है, सबको बताने की जरूरत थोड़ी ना है कि नहीं, हमको भ्रम होने दो। तो ये हमने सब छुपा दिया, इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी की भी फीस ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है उनको सिलेक्ट किया, और इनकी मैंने एडमिशन फीस लेनी है, एडमिशन फीस सिलेक्ट की, ये हमने 6,000 रुपये लिए और ये हमने प्रिंट कर दिया, ठीक। और कहाँ है ये, इसमें जाएंगे एडमिशन फीस में जाएंगे, N3 को हम F4 से लॉक कर देंगे, ये मैंने लॉक किया, लॉक करके इस फॉर्मूले को हम आगे बढ़ा देंगे, लॉक नहीं किया था इसलिए नहीं आया। इसमें आप बीच वाले स्टूडेंट की किसी की फीस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी किसी की भी ले सकते हो आप। जैसे अभी हमको यहाँ पे लेनी है, स्टूडेंट का नाम है हमारा प्रदीप,
दसवें नंबर पे है। रिसिप्ट पे जाओ आप, 10 सिलेक्ट करो। इनकी एडमिशन फीस जो भी आपको लेनी है जेब से 6,500, और ये बैंक को पे दे देते हैं और प्रिंट को क्लिक किया, आ गई ऑटोमेटिक। 2022 में जाएंगे, दसवें नंबर के स्टूडेंट की फीस 6,500। ठीक है भैया, तो ये आपका कंप्लीट हुआ समिक्स का फॉर्मूला। इसे आप पूरा कंप्लीट करके रखें। Gracias.